इसी तमीद और ताखीर के आप लोगों के दिलों की धड़कन आदि जनाब मुफ्ती तारिक जमील नौजवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। माइक पर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें, उनके बाद इंशाल्लाह जनाब बेहतरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया इमाम साहब, माशाल्लाह। कुलीटी सर, हमारा प्रोग्राम नातिया मुशायरा बहुत ही कामयाब हुआ। ईशा के बाद से अब तक तमाम शुरा ने एक से बढ़कर एक कलाम आपको सुनाए, आपने बहुत अच्छे सुने। रियाजुल आरिफीन साहब और कामरान भाई, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आपका प्रोग्राम पूरी तरह कामयाब हो चुका है, अब जो कुछ कमी रह गई वो इंशाल्लाह हमारे दिल भाई करवा फरो, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। बगैर किसी ताखीर के मकले से शेर सफर का आगाज करता हूँ। एक मरतबा सभी हजरात वहाँ पर के साथ दुरूद पढ़ दें। तवज्जो रखिएगा, अता कीजिए। के शेर तैन बाहता, शेर तैन बाहता, शेर तैन बाहता, वो बाजार बड़ा प्यारा रे। शेर तैन बाहता, वो बाजार बड़ा प्यारा रे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलते अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखिए, कबूल फरमाए।
ईशा के बाद से अब तक आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत से नारे लगाए, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तक हमारे असद भाई ने तो वो कलाम पढ़ा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबा की शान, आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन प्यारे सहाबा की असमत का नारा अगर लग जाता तो यकीन मानिए और मजा आता। मैं ये चाहता हूँ चूंकि थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, और जो कलाम पढ़ने के लिए हमारे जाहिद भाई मुझे लेकर आए, मैं जल्दी से वहां तक पहुंचता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि देखो कि आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से कितनी मोहब्बत करते हो। ठीक है ना, हमारा ईमान है आका के तमाम सहाबा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका ईमान यही है कि आका के तमाम सहाबा जिंदाबाद हैं, तो एक मरतबा यहाँ से लेकर वहां तक हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलते सुभानअल्लाह माशाल्लाह। अब मैं नारा लगाता आप बोलिए मेरे साथ मिलकर इंशाल्लाह, बोलिए तो मुझे रखिए कि है मेरा ईमान, है मेरा ईमान, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद, है मेरा ईमान सहाबा जिंदाबाद। आप सहाबा से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोल दें, यकीन मानिए अगर आपने सहाबा के साथ पूरी मोहब्बत का सबूत दे दिया, मैं ये समझूंगा कि मेरा यहाँ आना कामयाब होगा। तवज्जो रखना, बोले इंशाल्लाह, बोले है मेरा ईमान सहाबा। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हर शख्स को देख रहे हैं, ईमान जो जो बोल रहा है उसे भी देख रहे हैं, और जो नहीं बोल रहा उसे भी अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि रब्ताला की रहमत आपके जुबान के बोझ ले, तो आप पूरी मोहब्बत से हाथ उठाकर जोर से बोले है मेरा ईमान। जल्दी से नीचे गिर लेता हूँ, हमारे दिल भाई हमने और आपने मिल करके सुनना है इंशाल्लाह, लेकिन मारे मैं भी सुनने के लिए बैठा हूँ। क्या बात है, तवज्जो रखना, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अभी कमी है। एक कलाम है जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ,
जो कलाम मेरे पहचाने में वहां जल्दी वहां तक जल्दी से पहुंचता हूँ। लेकिन जाहिद भाई ये कह रहे थे कि जब तक सारे लोग ना पढ़े आप इस कलाम को बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है ना। सारे लोग मेरे साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए नाफिला बनेंगे इंशाल्लाह। एक मतलब आता की मोहब्बत में दोनों हाथ भर और जोर से बोलते सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो रखिएगा पाला है, तूने सबको पाला है।
बहुत शुक्रिया आपकी माँ की सलाम। वक्त चूंकि कम है और जो कलाम मेरी पहचान है जो मैं उसको जल्दी से पढ़ूंगा लेकिन उससे या अल्लाह या रहमान मैं पढ़ूंगा लेकिन आप जितनी ठंडक के साथ सुन रहे हैं कि बोल भी नहीं रहे यकीन मैं इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा लेकिन अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ूंगा जी। इससे पहले मतलब पढ़ने का दिल चाह रहा जी। बड़े बड़े शोराए कलाम जनाब अफरोज है खासतौर पर हमारे दिल है यकीन मेरे लिए बहुत बड़ी स्वागत होगी कि मैं ये मतलब तवज्जो रखना आपकी फरमाइश पूरी करके फौरन जगह लूंगा। एक मरतबा और मिलकर मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह जबरदस्ती नहीं मैंने बोला मोहब्बत से आका की मोहब्बत में हाथ उठाकर जोर से बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह तवज्जो रखिएगा के रब ने तुझे कलाम मुबीन में रब ने अपने कलाम मुबीन की है निदहत मेरे मुस्तफा रब ने अपने कलाम मुबीन की है निदहत मेरे मुस्तफा रब ने Come on!
शौकत मेरे मुस्तफा के। जल्दी से बोलता हूँ, जगह लेता हूँ, लेकिन चाहता ये हूँ कि चूंकि अब हम और आप दिल खैराबादी साहब दामद खातून के इंतजार में बैठे हैं, ठीक है ना, एक मरतबा लगना चाहिए कि आप उनके इंतजार में, ठीक है ना। ला इलाहा, हाँ तो डाकर मोहब्बत से बोले ला इलाहा। आप इस कलमे की सदा को इतना बुलंद करें और इस जज्बे के साथ बुलंद करें कि हमारे दिल भाई यकीन वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनका तो मूड पहले से बना रहता है। आप इतनी मोहब्बत से ये नारा लगा दें कि यकीन मानिए हमारा पुशाना और ज्यादा है ना दिल खैराबादी साहब के और ज्यादा बुलंदियों की तरफ तवज्जो रखना। पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ला इलाहा जोर से, ला इलाहा हाथ उठाकर मोहब्बत से। अगर थक गए तो बिल्कुल ना बोले, लेकिन अगर आपके दिल में प्यारे आका की और रब्बे जुल जलाल की पूरी मोहब्बत है और आप सिर्फ खुदा से डरने वाले हैं, दुनिया की किसी बात से आप नहीं डरते, तो आप हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले ला इलाहा। हाथ उठाकर ला इलाहा, कुछ हाथ उठे, कुछ हाथ अभी तक नीचे। मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले ला इलाहा। अगर आपने मोहब्बत से पढ़ दिया मेरे साथ मिलकर के थोड़ी देर, अल्लाह की रहमत आपकी जुबान के भूसे को ले लेंगे, साथ साथ इंशाल्लाह मुझे भी हौसला मिल जाएगा और मैं ये समझूंगा कि रात में 3 बजे पढ़ने के बाद जो कंडीशन होती है और जो हिम्मत चाहिए, यकीन मैं मैदान में नया हूँ, हमारे दिल भाई माशाल्लाह उनकी दुआएं मिल रही, उनका हौसला मिल रहा, अल्लाह आपको जी। मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे लोग हमारे साथी घर जा चुके होंगे, लेकिन अभी तक आप यही हैं माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जल्दी से मेरे एक कलाम नवाब की फरमाइश का है, मैं वहां तक पहुंचता हूँ, सब लोग मिलकर मेरे साथ निकल के पढ़िए ला इलाहा। आप उठाकर बोले ला इलाहा। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले काम चाह रहे हैं। मैदान मशर में आका के हाथों से अगर आप चाहते हैं कि जामे कौसर मिले तो हाथ उठाकर पूरी मोहब्बत से बोले ला इलाहा और मोहब्बत से ला इलाहा। हमारे असर भाई भी कह रहे थे ये बच्चे कि ये इलाका मजबूत है, लेकिन ये इलाका ये बच्चे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इनको रखिए बोलने पे, बस बोले ठीक है बोले। Yeah.
दो बंद में जल्दी से पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे लिए ठीक है। तवज्जो नहीं आएगा, तवज्जो मदारिस उलमा कुरान करीम की अज़मत को अपने ज़हन में रखें तो मतलब के बारे में आता हूँ, सुनिए अता की जय नवाज़े। खुदा से जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अज़ानों को असीरी का सिलसिला चला सुनिएगा। वो पहला मदरसा सफा जिसे आका बनाते हैं, वो पहला मदरसा सफा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। एक तरफ मौलवी की कुर्बानी, मदारिस का मौलवी, हमारी को
कौम के लिए कितनी कुर्बानी खर्च करता है, दूसरी तरफ हमारी कौम का है। तवज्जो रखिएगा, दो तीन मिनट आपके लेता हूँ, फौरन को भी लेता हूँ, तवज्जो रखिएगा। पैदा हो अजान भी सुनाए पैदा हो अजान भी सुनाए नाम तुम्हें बच्चे का बताए कलिमा कुरान भी सिखाए बोल दी शादी होनी का भी पढ़ाए बोल दी जनाजा भी पढ़ाए दफनाए बोल दी कब्र तलक काम आए बोल दी। होता है ना, होता है कि नहीं, जोर से बताओ होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? ये मेरी कौन की है सब शाम की गलती, गलत निजाम है या फिर निजाम की गलती, जो कायदे से अलिफ बा भी पढ़ नहीं सकता, जो कायदे से अलिफ बा भी पढ़ नहीं सकता, निकालने को लगा है इमाम की गलती, पैदा हो आजाद भी सुनाए बोल दी नाम तुम्हें बच्चे का बताए बोल दी कलिमा कुरान भी सिखाए बोल दी शादी होनी का भी पढ़ाए बोल दी जनाजा भी पढ़ाए दफनाए बोल दी कब्र तलक काम आए बोल दी बतानी चाहिए कौम को ये बात भी बतानी चाहिए जगह जगह जाके समझानी चाहिए कौम को ये बात भी बतानी चाहिए जगह जगह जाके समझानी चाहिए कितनी जरूरी है कुरानी तालीम कौम के भी समझ भी ये आनी चाहिए कितनी जरूरी है कुरानी तालीम कौम के भी समझ भी ये आनी चाहिए देखने में जी कमेटी का हुक्म पढ़िए जी कमेटी वाले का परमिशन जो सारी कायनात की हम सबकी माँ है अम्मा के शान में एक मतलब दो बंद पढ़ता हूँ फौरन जगह ले लेता हूँ ठीक है तवज्जो रखिएगा कि भाई को हमने अपने मतलब को सुनना है ठीक है ना तवज्जो रखिए एक मतलब प्यारे आका की मोहब्बत में हाथों पर हाथ उठाकर जोर से बोलते सुभान अल्लाह अपने आका से जितनी मोहब्बत करते हैं और जिस जज्बे के साथ जब भाई को सुनना चाहते हैं उस जज्बे के साथ हाथ उठाकर बोल दाना से पहले सुभान अल्लाह माशाल्लाह तवज्जो रखिएगा तवज्जो आप
आप नबी की महबूबा है, आप हबीबा है, बेशक सब किस्मत पर इतराते थे, आपके बिस्तर पर लेकर जिब्रील वही आते थे, और मलाइक जिन्न बशर सब किस्मत पर इतराते थे। तो हम बांधने वाले घुट घुट के मर जाएंगे, आप पे फिल्म बनाने वाले, आप पे फिल्म बनाने वाले सीध जहन्नम जाएंगे, आप पे तो हम बांधने वाले घुट घुट के मर जाएंगे, आप पे फिल्म बनाने वाले सीध जहन्नम जाएंगे। और हमारी कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, बोला आप सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हयात बाकी तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात बाकी, फिर कभी मौका होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह।